टिमटम डिलाइट बनाने के लिए मैंने जो है पफ पेस्ट्री की शीट ले ली है। अब मैं इसे क्या करूंगी, 4 पीसेज में काट लेती हूँ। आपकी मर्जी है, आप शेप कोई भी ले सकते हैं। मैं इसके साथ 4 स्क्वायर्स ले लेती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले एक स्क्वायर लेते हैं और उसमें मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा नटेला लगा देते हैं ताकि जब हम इसे खाएं तो एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और एक लेते हैं टिमटम का बिस्किट और इसको हम बंद कर देते हैं। एक बार यहाँ से करेंगे, एक बार यहाँ से करेंगे। इसको बंद करने के बाद इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद ये वाली जो साइड है ना, ये दूसरी साइड हमने फोल्ड करनी है, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे ही फोल्ड कर लेते हैं। तो लीजिए, ऐसे ही हम ये चारों पीस तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, ये तो मैंने चारों बिल्कुल तैयार कर दिए हैं। ये मैंने ले लिया है एयर फ्रायर और अब इसमें मैं इन जो हमने डिलाइट्स बनाए हैं इनको मैं प्लेस कर देती हूँ। अब इन्हें एयर फ्रायर में 180 डिग्री पर 8 मिनट्स के लिए कुक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, एयर फ्रायर से मैं बाहर लेकर आ गई हूँ, बिल्कुल ये 100% रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए क्या शानदार कलर है। तो चलिए इसे प्लेट में निकाल कर काट कर देखते हैं कि कैसा तैयार हो गया है। तो यहाँ देखिए, इसे सेंटर से काटते हैं। ये देखिए क्या शानदार कलर है और कितना सुनहरी बेक हुआ है। तो चलिए आप और हम मिलकर एंजॉय करते हैं।